गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10, एप्टेस्ट विद पाइथन. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन फेब्रवरी 1991. फीचर्स ऑफ पाइथन आर, फर्स्ट, पाइथन इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू डू नॉट नीड टू बाय एनी लाइसेंस टू यूज इट. डाउनलोड इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट जस्ट फॉर फ्री. पाइथन को हम फ्री ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. पाइथन इज़ ईजी लैंग्वेज टू लर्न. पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है. जैसे आप बेसिक छोटे क्लासेस में आपने बेसिक पढ़ी, वैसे पाइथन भी बहुत ईजी लैंग्वेज है. एंड यूज़ ओवर एनी प्लेटफॉर्म. एनी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन चल सकता है. पाइथन हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ प्री डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मॉड्यूल्स. पाइथन की लाइब्रेरी में, पाइथन सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में बहुत सारे इनबिल्ट कमांड्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं. पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. जैसे बेसिक एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज थी, वैसे ही पाइथन भी एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है. मीन्स कंप्यूटर का जब प्रोसेसिंग होती है तो इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन को पढ़ता है और उसके ऊपर प्रोसेस करता है. अगर कहीं एरर है तो उस एरर को शो करके उसमें करेक्शन कराता है और प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है. पाइथन आइडल. पाइथन आइडल मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. इट अलाउज इंटरेक्टिव एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड टू वर्क विद पाइथन. इट प्रोवाइड एन एडिटर टू राइट एंड एडिट योर स्क्रिप्ट एंड टू सेव देम. पाइथन शेल इज बिल्ट इन टू आइडल विच इंटरप्रेट्स द कमांड एंड स्क्रिप्ट सबमिटेड टू इट. टू वर्क इन इंटरेक्टिव एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड यू नीड टू ओपन पाइथन आइडियल. पाइथन आइडियल मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इंटरेक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मीन्स यू टाइप द कमांड वन कमांड एट अ टाइम एंड द पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड देयर एंड देन गिव्स यू द आउटपुट. इन इंटरेक्टिव मोड यू टाइप द कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट मतलब थ्री ग्रेटर देन साइंस, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप 2+5 इन फ्रंट ऑफ पाइथन प्रॉम्प्ट, इट विल गिव यू रिजल्ट एज 7. टू और फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप 1+7 मल्टीप्लाई बाय 2, देन इमीडिएटली द रिजल्ट 16 विल बी डिस्प्लेड. देन यू इशू नेक्स्ट कमांड, गेट इट्स आउटपुट एंड सो ऑन. इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव योर कमांड फॉर लेटर यूज. इंटरेक्टिव मोड मतलब आप वन बाय वन कमांड लिखकर स्टेप बाय स्टेप वहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे. और इंटरेक्टिव मोड में कंप्यूटर या पाइथन सॉफ्टवेयर जो है हमारे प्रोग्राम को स्टोर नहीं करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव मोड. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरेक्टिव मोड्स आर फन विद नंबर्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट जब थ्री ग्रेटर देन साइंस आते हैं वो पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है. इश्यू द फॉलोइंग कमांड्स एंड ऑब्जर्व द आउटपुट. कमांड जब आप थ्री ग्रेटर देन साइंस के आगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2+2, इट रिटर्न्स 2, 4. सिंपल एडिशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर. देन आपने एंटर प्रेस करा, उसने आपको आंसर शो कर दिया 4. और फिर नेक्स्ट आपके सामने थ्री ग्रेटर देन साइंस आ जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आपने लिख दिया 43-7 मल्टीप्लाई बाय 9. और जब आप आंसर देखते, आउटपुट देख रहे हैं, तो वो -20 है. तो आप उसने आपको क्या करा, तुरंत आंसर शो कर दिया. दिस इज इंटरेक्टिव मोड. फन विद स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स आर द कैरेक्टर्स और लेटर्स इन सीक्वेंस. स्ट्रिंग्स को हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी कहते हैं. अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों से मिलकर बनती हैं, या ओनली अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती हैं, या फिर कुछ नंबर्स जिनको कि हम डबल कोट्स में लिख देते हैं उनको भी हम स्ट्रिंग कहते हैं. तो इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज विद इन सिंगल और डबल कोट्स. अगर हमें किसी वैल्यू को स्ट्रिंग बनाना होता है तो उसको हम विद इन इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, विद इन इन्वर्टेड कॉमास बेंगलुरु, विद इन इन्वर्टेड कॉमास न्यू दिल्ली, विद इन इन्वर्टेड कॉमास DL 29AS1590. देख यहाँ पर इस वैल्यू में क्या है, अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं. विद इन इन्वर्टेड कॉमास 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर नंबर को भी स्ट्रिंग बना दिया गया है. जैसे स्ट्रिंग, हम नंबर्स को जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग नंबर्स में कोई भी हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं. जैसे हम लोग का फ़ोन नंबर,
तो फ़ोन नंबर भी क्या है, एक हम स्ट्रिंग वैल्यू बना सकते हैं और इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं. एनी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स विद इन कोट्स इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल स्ट्रिंग्स इन पाइथन प्रॉम्प्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास हेलो, आउटपुट इज हेलो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इन पाइथन प्रॉम्प्ट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास पाइथन इज पावरफुल फुल स्टॉप आई एम लविंग इट. एक्सप्लेनेशन साइन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज देन आउटपुट इज पाइथन इज पावरफुल फुल स्टॉप आई एम लविंग इट एक्सप्लेनेशन साइन. देन एनक्लोज सिंगल कोट्स विद इन अ डबल कोट्स इन पाइथन प्रॉम्प्ट इन सिंगल कोट्स पाइथन इज कूल फुल स्टॉप इजेंट, फिर से सिंगल कॉमा लगा हुआ है इजेंट में, इट क्वेश्चन मार्क और सिंगल कॉमा. यहाँ पे थ्री सिंगल कॉमाज हैं, तो जब थ्री सिंगल कॉमाज हैं इसलिए ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है और एरर शो करते हुए मैं आउटपुट शो कर रहा है सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग सिंगल कोट्स कैन नॉट एनक्लोज अनदर सिंगल कोट्स, तो यहाँ पर थ्री सिंगल कोट्स हैं इसलिए यहाँ पर यह एरर शो कर रहा है. देन इसी को अगर हम लिख दें विद इन इन्वर्टेड कॉमास पाइथन इज कूल फुल स्टॉप इजेंट इट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो यहाँ पर यह हमें इसका आउटपुट शो कर रहा है. स्ट्रिंग वेरिएबल्स विद इन प्रॉम्प्ट एफ नेम इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास राज. एफ नेम क्या है, एक वेरिएबल मान लिया गया जिसकी वैल्यू है राज. फिर प्रॉम्प्ट के आगे लिखा गया एस नेम इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास कुमार. एस नेम में भी जिसकी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है कुमार. ट्रिपल कॉमास प्रिंट एफ नेम कॉमा एस नेम, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करा गया है और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को प्रिंट किया जा रहा है, तो आउटपुट आ रहा है राजकुमार. प्रिंट फंक्शन, हम यहाँ प्रिंट ब्रेसिस ओपन क्लोज इज़ अ पाइथन फंक्शन फॉर आउटपुट. जब हम प्रिंट किसी भी कमांड के आगे इस तरह से ब्रेसिस ओपन क्लोज लगा होता है इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग रेंज ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग. अ रेंज ऑफ लेटर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय मेंशनिंग स्टार्टिंग इंडेक्स पोजिशन फॉलोड बाय कोलन साइन. किस लेटर से हमको प्रिंट करना है उसमें हम फर्स्ट करेक्टर का नंबर लिखते हैं और कोलन साइन लगा देते हैं. देन एंडिंग इंडेक्स पोजिशन, किस नंबर पे हमारा एंड हो रहा है प्रिंट वैल्यू, वहाँ पर हम डैश कोलन साइन वन कर दिया या जो भी हमारा नेक्स्ट लास्ट डिजिट है उसका लिख दिया है. फॉर एग्जांपल इन पाइथन प्रॉम्प्ट str मतलब स्ट्रिंग फंक्शन है ये. बिग ब्रेसिस ओपन 0:4 आउटपुट इज विद इन PSEU फर्स्ट फोर लेटर्स. यहाँ पर इसने फर्स्ट फोर लेटर्स को प्रिंट कर दिया है. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग str बिग ब्रेसिस 6:9 यहाँ पे इसने हमें आउटपुट शो करा है COD. सूडो कोड में अगर हम काउंट करें यहाँ पे सूडो कोड के लेटर्स तो PSEUDOC तो ओ तक 6 करेक्टर आ रहा है, तो फर्स्ट 6 करेक्टर्स छोड़ के उसने 9 मतलब 6 और 9 के बीच में 3 करेक्टर्स हैं, तो वो हमें COD प्रिंट करके दे रहा है. स्ट्रिंग कोलन साइन फोर का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 4 लेटर्स तक, तो PSEU हमें प्रिंट करके दे रहा है. स्ट्रिंग 6:6 मतलब 6 के बाद जो लेटर है मतलब 7th लेटर से लास्ट के जितने भी लेटर्स हैं वो हमें प्रिंट करके दे रहा है. नेक्स्ट है द लेन फंक्शन. लेन फंक्शन इज एन इनबिल्ट पाइथन फंक्शन विच एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स नंबर ऑफ लेटर्स इन इट. लेन से जैसे हमें पता लग रहा है लेन का फुल फॉर्म है लेंथ, मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल लेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास ओपन स्टार इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रेसिस क्लोज विल रिटर्न 4 एंड लेन विद इन इन्वर्टेड कॉमास न्यू डेली विल रिटर्न 9 स्पेस काउंटेड. स्पेस काउंटेड मतलब 2 वर्ड्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होती है उसको भी ये काउंट कर लेता है. मीन्स जब इन्वर्टेड कॉमास में लेन फंक्शन के साथ न्यू डेली लिखा गया तो अगर हम इसको काउंट करें तो NEW3 ब्लैंक स्पेस 4 और डेली के 5 कैरेक्टर्स तो 9 कैरेक्टर्स हो गए तो टोटल, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है. तो इस तरीके से न्यू डेली में वो टोटल 9 कैरेक्टर्स हमें शो कर रहा है, तो लेंथ कितनी हो गई 10. इस तरह से हम वैल्यूज़ की काउंटिंग या कैरेक्टर्स की काउंटिंग कर सकते हैं.